तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपको दोबारा से लेकर आया हूँ मुंबई। और मुंबई में किस जगह पर लेकर आया हूँ, सर से हम बात करेंगे। यहाँ पर भाई काफी सारी चीजें नई नई मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को बताई जाए और बताने के साथ साथ समझाया भी जाए। भाई यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक आपने ना तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। वो चीजें क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो अगर मोबाइल रिपेयरिंग की बात करें, अभी तक आप सोचते आ रहे हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग होती है, किस किस तरह की होती है मोबाइल रिपेयरिंग होती है। भाई 2 से 3 या 4 तरह की मोबाइल रिपेयरिंग होती है। किस किस तरह हम उन्हें कर सकते हैं, क्या ये मोबाइल रिपेयरिंग हमें फ्री में भी मिल सकती है, तो भाई ये सारी चीजों के लिए फैजान भाई आज हमारे पास है जो कि हमें बताने वाले हैं। और फ्री अगर बात करें तो मोबाइल रिपेयरिंग भी फ्री में सीखी जा सकती है। वो कैसे सीखी जा सकती है, सर सबसे पहले आप हमारे भाइयों को आप अपना नाम बताइए और ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये किस जगह पर है वो बताइए सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैजान है। हमारा इंस्टीट्यूट मुंबई गोरेगांव में है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है IIT एंड टेक्नोनिक इंस्टीट्यूट। हमारे पास आपको हर तरीके की ट्रेनिंग मिल जाएगी, जैसे कि आईफोन में बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी आपको हमारे पास, जैसे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है न्यू नेटवर्क की, वाईफाई की, ब्लूटूथ की, फेस आईडी की प्रॉब्लम हो गई, हर तरीके की एक छोटी सी प्रॉब्लम से लेकर मदरबोर्ड स्वैपिंग तक का आपको हमारे पास ट्रेनिंग मिलेगा। ओके तो सर इसके अंदर मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि स्वैपिंग वगैरह की हर तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, ये तो चलो समझ में आता है। आजकल काफ़ी सारे नए नए फोल्ट आ गए हैं, जैसे लाइनिंग होगी है या वाइट LCD होगी है, ग्रीन LCD होगी है, या वाटर डैमेज LCD को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं वो सब। जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग वीडियोज डालते हैं ग्रीन LCD, बिल्कुल वाइट LCD और जो फ्लिकर हो रही है वो LCD जी, तो ये काफ़ी सारे लोग उसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं। हाँ, जैसे कि कोई 70,000 ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, कोई लाख रुपए उसका चार्ज है। बिल्कुल सर, लेकिन हमारे पास 70% ऑफ में वो ट्रेनिंग मिल जाती है। ओके और उसके अंदर आपको आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, जो 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स के जंपर्स थे जो, हाँ जी, पुराने वर्जन के जो जंपर थे वो अभी लोग करते हैं लेकिन उसके अंदर वापस से सेम प्रॉब्लम आती है। ओके अब जो कंपनी ने नया अपडेट निकाला उसमें नया बग आया है। ओके तो उसके जो जंपर है वो पूरे अलग है। ओके और लोग वही जंपर मारते हैं, फिर बार बार रिपीट आता है, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, फिर एंड में दुकानदार को अपना डिस्प्ले डालना पड़ता है। तो okay. हमारे पास इसका पूरा डेटा है, आपको एक एक चीज स्टेप वाइज बताएंगे हम उसके अंदर। और जो कंडक्टर पे से लोग LCD बना रहे हैं लेकिन वो उनको कौन सी ट्रैक बनाना है वो पता ही नहीं है। ओके okay. वो कहीं पे भी YouTube से वीडियो देखे और ट्रैक बना दिए। हाँ जी हाँ, और फिर काफी ऐसा होता है कि चलो उससे काम नहीं हो रहा, वो कुछ लोगों के पास काम ज्यादा है तो कहीं ट्रेनिंग लेने जाते, कहीं उसका चार्ज ज्यादा है, तो हमारे पास वो डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके तो भाई सबसे बड़ा डिस्काउंट की अगर बात करें, जो 1 लाख के आसपास की ट्रेनिंग है यहाँ पे आपको 70% डिस्काउंट में आपको वो मिलने वाली है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफी भाई हैं जो हमारे ग्रीन LCD समझ के फेंक देते हैं या उसको फ्लिंग कर रही है तो उसको ब्लिंकिंग वाली जो LCD होती है उसको भी फेंक देते हैं, तो वो सब आपके रिपेयर होके आप दोबारा से यूज में ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर इसके अलावा अगर आगे की अगर कोर्स की बात करें, जैसे आजकल फ्लिप या फोल्ड वगैरह चल रहे हैं, काफी ज्यादा हिंज वगैरह नहीं ओपन हो पाती है या फिर हिंज के अलावा जैसे थोड़ा सा बंद करते हैं उसकी आवाज बंद हो जाती है डिस्प्ले वाइड, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे पास हर तरीके की ट्रेनिंग अवेलेबल है। जो फोल्ड की बात करें, फोल्ड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, स्ट्रिप चेंज करना, हिंज चेंज करना, तो काफी लोग करते हैं लेकिन उसके अंदर शुरुआत में ही उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है बहुत सारे लोग का। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो एकदम इजी ट्रिक है और गुड फिनिशिंग में काम हो जाता है हमारे पास। ओके स्टेप बाय हम लोग उसके अंदर सिखाते हैं। बिल्कुल सर। सर ये तो थी वीडियो अभी तक, जो हमारे भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं या किसी दूसरी फील्ड से वो सोच रहे हैं कि यार मैं अपना काम चेंज करना चाहता हूँ, वो उनके लिए। कई भाई ऐसे होंगे जो अपनी शॉप छोड़ के नहीं आ सकते, जो सेल्समैन ही करते हैं, या उन सब के लिए भी कुछ है, अगर वो आपको अगर कुरियर वगैरह सेंड करते हैं तो क्या उनका काम भी हो सकता है? बिल्कुल सर, जैसे कि काफी सारे हमारे जो भाई है जो रिपेयरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ उनके पास कस्टमर का और डीलर्स का काम आता है, और जो कुछ लोग ऐसे भी है जो डीप लेवल में रिपेयरिंग नहीं करते जी, तो हमें पार्सल भेज सकते हैं, विद इन 1 डेज 2 डेज में उनको रिजल्ट मिल जाएगा और जो भी प्राइस रहेगा मार्केट से काफी कम प्राइस में आपको करके मिलने वाला है वो। ओके ये भी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब कई भाई इस इंतजार में बैठे होंगे, जैसे अभी मैंने अपनी वीडियो स्टार्टिंग करी थी उसके अंदर फ्री ट्रेनिंग के बारे में बताया था, तो कैसे हमारे भाइयों को ये फ्री ट्रेनिंग मिलने वाली है? सर देखो कैसा है ना, मार्केट के अंदर स्टूडेंट जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, हाँ अब जैसे वो एंट्री मारेगा थोड़ी क्लास लेंगे उसके बाद तुरंत बोलते हैं कि हमें फीस आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। आप आओ हमारे पास 2 से 3 दिन की फ्री डेमो क्लास लो
उसके बाद आपको सेटिस्फाई लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ नया सिखाया जा रहा है, उसके बाद ही आप फीस पे करो। ओके। और इसके अंदर काफ़ी ऐसा हो रहा है ना आजकल समीर भाई मार्केट के अंदर कि जो अच्छे लेवल के मैकेनिक है या जो काम कर रहे सिर्फ उनको ही ट्रेनिंग मिल रही है। ओके। फ्रेशर को तो कोई पूछ ही नहीं रहे। अब जो लोग जैसे कॉलेज ड्रॉप डाउन है, स्कूल छोड़ चुके हैं, अब उनको इस फील्ड के अंदर आना है तो कोई इंस्टीट्यूट उनको लेगा नहीं, तो हमारे पास वो भी आ सकते हैं। ओके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप भाई देखो इस वीडियो को देखते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस लाइन में आना चाहिए, तो 2 से 3 दिन की जो सर ने क्लासेस बिल्कुल फ्री रखी हुई है वो भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं।